हेलो स्टूडेंट्स, मैं इकबाल सिंह गिरजी फ्रॉम गुरु नानक कोचिंग क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th में चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। सेकंड हमने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के अंदर हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, ग्लास स्लैब एक्टिविटी हमने डिस्कस करी थी, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्कस किया था, फिर हमने स्फेरिकल लेंस जो है वो डिस्कस किए थे, एंड नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रे रिफ्रैक्शन। रे रिफ्रैक्शन के बाद आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। हमें इमेज फॉर्मेशन करना है बाय कन्वेक्स लेंस, कि कन्वेक्स लेंस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। जैसे कंकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, उसके अंदर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनी थी, सेम वही जो 6 पॉसिबिलिटीज है वो यहां बनेगी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस के अंदर। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 6 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीनिंग C1 के हम बियॉन्ड रखेंगे, थर्ड ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मीनिंग C1, फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F1, फिफ्थ ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस मीनिंग F1 एंड सिक्स्थ ऑब्जेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो दीज आर टोटल 6 पॉसिबिलिटीज टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनती है कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन करने की। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर हो तो ये वाले जो केस है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इंफिनिटी वाला केस है ये तो हर कंडीशन के अंदर अप्लाई होगा, और जब हमने कन्वर्जिंग लेंस जो है वो डिस्कस किया था तो जो रेस को कन्वर्ज किया था वो रेस हमने पैरेलल ही पास करवाई थी प्रिंसिपल एक्सिस के। सेम जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर इंफिनिटी पर होगा तो उस कंडीशन में हम लाइट की जो रेस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट की रे वो कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे, अब लेंस के अंदर क्या होता है अपोजिट, मिरर में क्या था जिस साइड ऑब्जेक्ट है सेम साइड अगर इमेज बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, बट यहां पर जो आगे की तरफ बनेगी मतलब रिफ्रैक्शन होकर इमेज बनेगी वो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट, ये इमेज बनी कहां पर है? एट F2 पर, फोकस पर बनी है। इसका साइज क्या बना है? पॉइंट साइज। तो ये बन गया एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सेकंड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में देखिए दिस इज ए लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ओ, F1 C1 F2 C2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, पीछे पड़ा है C1, यहां पर फर्स्ट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से चली जाएगी? फोकस। दिस इज द वन। सेकंड हम क्या कर रहे हैं? सेकंड रे हम पास करवा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ से। तो अगर हम रे को ऑप्टिकल सेंटर ओ से पास करवाएंगे तो वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट चली जाएगी यहां पर। अगर आपको ये जो वे है अच्छा नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हो? प्रिंसिपल फोकस से भी पास करवा सकते हो। अगर हम लाइट की रे को प्रिंसिपल फोकस से पास करवाएंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीनों ही केस में जो इमेज है वो बिटवीन F2 एंड C2 बन रही है, जो पहले मिरर वाले केस में बनती थी बिटवीन F4 C। इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये अपोजिट साइड बनी है। सेकंड, रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है ही है, उसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो कहां बनी है? बिटवीन F2 और C2।
बिटवीन एफ टू एंड सी टू। थर्ड इसका जो साइज है वो क्या बना है, इसका जो साइज है वो बना है डिमिनिश। तो टू पॉसिबिलिटीज होगी। नेक्स्ट है हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है उस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ एफ वन सी वन एफ टू सी टू इफ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो फर्स्ट रे हम पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट की रे कहां जाएगी, फोकस से। सेकंड हम पास करवाएंगे ओब्लिकली, या आप प्रिंसिपल फोकस से भी पास करवा सकते हो, तो वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी यहां। तो सेम वहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट सी पर था तो इमेज सी पर बनी थी मिरर के अंदर भी, तो यहां पर भी सेम ही बात फॉलो होगी, जो इमेज है वो बनेगी हमारी रियल एंड इन्वर्टर, जो उसकी पोजीशन है वो कहां होगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी टू पर, और थर्ड उसका जो साइज है वो क्या होगा, सेम साइज। नेक्स्ट केस नंबर फोर हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ वन, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के मिड के अंदर प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल सेंटर ओ एफ टू सी टू एफ वन सी वन, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी वन एंड एफ वन, फर्स्ट रे हम पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है। सेकंड हम ऑब्लिकली या प्रिंसिपल फोकस से पास करवा सकते हैं, तो प्रिंसिपल सॉरी ऑब्लिकली अगर हम रे को पास करवाएंगे तो वो इस तरीके से, तो इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहां देखिए ये कैसी इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, कहां बनी, बियॉन्ड सी टू, सी टू के आगे जाके बनेगी, और इसका जो साइज है वो क्या बनेगा, एनलार्ज। तो सेम यही जो वेज है हमने डिस्कस किए थे कनकेव मिरर के अंदर, कनकेव मिरर के अंदर भी टोटल इस तरीके से सिक्स पॉसिबिलिटीज बनी थी, तो यहां पर भी टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज बनी है, और पॉसिबिलिटीज के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज फोकस पर बनी है, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज एफ और सी के बीच बनी है, ऑब्जेक्ट एट सी पर रखा है तो इमेज एट सी पर ही बनी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी बनी है, ऐसा सेम मिरर के अंदर भी बना था। और नेक्स्ट हम फिफ्थ स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ वन की, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ वन पर है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ एफ वन सी वन एफ टू सी टू, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है, फोकस पर, एफ वन पर, फर्स्ट रे पास करवाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां चली जाएगी, एफ टू पर, सेकंड रे हम पास करवा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ पर, तो वो स्ट्रेट चली जाएगी। सेम वही मिरर वाला केस, अभी मिलेगी तो सही लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगी, तो अब क्या होगा इसका, ये इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट ये बनी कहां पर है, एट इंफिनिटी, क्योंकि बहुत दूर जाके ये इमेज बन रही है हमें नहीं पता। थर्ड इसका जो साइज है वो क्या बनेगा, हाईली एनलार्ज। इस तरीके से हमने फॉर्मेशन किया है इमेजेस का, कि इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस की, कन्वेक्स लेंस के अंदर टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज बनती है इमेज फॉर्मेशन की, तो जिसमें से हमने फाइव डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट वन, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो ये भी मिरर की तरह एक एक्सेप्शनल केस बनेगा। लास्ट जो मिरर के अंदर लास्ट केस जो है वो एक्सेप्शनल बना था। सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर,
ओ के बीच में होगा, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन ओ और एफ वन। फर्स्ट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाएंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से जाएगी, फोकस। फिर वही सेकंड जो रे है हम पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर ओ से, तो वो बिल्कुल सीधी। अब देखिए इन दोनों के मिलने के कोई भी चांसेस हमें नहीं लग रहे क्योंकि आपस में वाइड हो रही है, लेकिन हमें क्या अपीयर होगा कि ये जो रेज है वो कहीं ना कहीं मिरर के सॉरी लेंस के सेम साइड पर आकर के इमेज बन रही है। तो अब ये जो इमेज होगी, अब ये ऑब्जेक्ट के सेम साइड बनी है, तो ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये फर्स्ट एक ही इमेज ऐसी है लेंस के अंदर जो वर्चुअल और इरेक्ट होने के साथ साथ एनलार्ज भी है, क्योंकि जो कंकेव लेंस होगा उसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज तो बनेगी बट वो डिमिनिश बनेगी। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा वर्चुअल इरेक्ट इमेज एनलार्ज कब बनती है, तो इस एक्सेप्शनल केस के अंदर बनती है। और अब इसकी पोजिशन क्या है, हम लिखेंगे सेम साइड। तो ये थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। हमने टोटल 6 पॉसिबिलिटीज जो है कन्वेक्स लेंस की डिस्कस कर ली। तो इस नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव लेंस की, कंकेव लेंस के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव लेंस, तो कंकेव लेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। टू पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी बनेगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और सेकंड पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर टोटल 2 पॉसिबिलिटीज बनी। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये वाली कंडीशन तो हम डाइवर्जिंग लेंस के अंदर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जैसे ही हम यहां पर दोनों जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाएंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगी। देखिए यहां पर हमने रेज पास करवाई, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज क्या हो गई, डाइवर्ज हो चुकी है। लेकिन हमें क्या अपीयर होगा कि कहीं ना कहीं ये जो रेज है वो कहां मिल रही है हमें, एफ वन पर मिल रही है। तो सेम साइड ही इसकी इमेज बनी है, मतलब एफ वन वाली साइड जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इसकी जो इमेज है वो बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लिखेंगे ये इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बनी कहां पर है, एट एफ वन, और इसका साइज क्या है, पॉइंट साइज। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो आप कहीं पर भी ओ और इंफिनिटी के बीच रख सकते हैं, पोजीशन का कोई मैटर नहीं है। ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, आप इस ऑब्जेक्ट से हमने फर्स्ट रे पास करवाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो डाइवर्ज होगी और हमें क्या अपीयर हुआ कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। सेकंड हमने क्या कर दिया, जो रे है वो पास करवा दी ऑप्टिकल सेंटर ओ से, तो ये डाइवर्ज होके सीधा ही निकल गई। तो यहां पर ये इमेज बनी, तो ये इमेज भी सेम साइड बनी है, तो ये इमेज है वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका जो साइज है वो क्या है, डिमिनिश, और इसकी जो पोजीशन है वो बनी है बिटवीन एफ वन एंड ओ। तो ये हमने 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो डिस्कस करी है कंकेव लेंस की। कंकेव लेंस की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज है, जैसे हमने जो 2 पॉसिबिलिटीज है वो कन्वेक्स लेंस की डिस्कस करी थी। उसके बाद नेक्स्ट हम इनको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग या टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं, जिससे याद रखने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो वो डिस्कस कर लेते हैं टेबल वाला। तो आप टेबल कैसे बनाओगे इसको, फर्स्ट वन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो जो इमेज है वो कहां बनेगी, अगर इमेज बनेगी तो उसका साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज, और इमेज का साइज होगा तो इमेज की नेचर क्या होगी, जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है, कैसी नेचर की जो इमेज है वो फॉर्म्ड होगी,
तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा वन बाय वन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर होगा तो जो इमेज है वो बनेगी एट एफ वन पर, और उसका जो साइज है वो क्या होगा, पॉइंट साइज, और उसकी जो नेचर है वो क्या होगी, रियल एंड इनवर्टर। आपको इस तरीके से ये लर्न होना चाहिए, मतलब आप मन के अंदर इमेजिनेशन कर सको कि अगर ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे तो इमेज कहां और कैसी बनेगी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो बनेगी बिटवीन एफ वन एंड सी वन, और उसका जो साइज है वो क्या होगा, डिमिनिश बनेगा, और उसकी जो नेचर है वो बनेगी रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद थर्ड क्या था, ऑब्जेक्ट बिट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, तो जो इमेज है वो कहां बनी थी, एट C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जो उसका साइज था वो क्या था, सेम साइज, और उसकी जो नेचर थी सेम, रियल एंड इनवर्टर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, दोनों के बीच में अगर रखेंगे तो जो इमेज बनती है हमारी वो बनेगी बियॉन्ड C1, सॉरी C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, और उसका जो साइज है वो क्या होगा, एनलार्ज, और उसकी जो नेचर है वो भी क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट फिफ्थ केस है हमारा ऑब्जेक्ट एट F1, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, F1 पर, उसके जो इमेज है वो बनेगी एट इंफिनिटी, और उसका जो साइज है वो क्या होगा, हाईली एनलार्ज, और उसकी जो नेचर है वो क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, और जो इमेज है वो कहां बनेगी, सेम साइड, और उसका जो साइज है वो क्या होगा, एनलार्ज, और उसकी जो नेचर है वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज थी कन्वेक्स लेंस की। अब बारी आती है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस के अंदर जो फर्स्ट कंडीशन बनती है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और सेकंड कंडीशन बनती है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। इफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो उसकी जो इमेज है वो बनेगी एट एफ वन, सेम साइड ही बनेगी, यहां बनेगी बिटवीन एफ वन एंड ओ, यहां पर उसका जो साइज है वो होगा पॉइंट साइज, और यहां पर इसका जो साइज है वो होगा डिमिनिश, और दोनों ही कंडीशन में जो उसकी नेचर बनेगी वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये थी हमारे पास टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, और टू पॉसिबिलिटीज इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस। तो टोटल हम इतने तरीके से जो इमेज फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं साइन कन्वेंशन पर, जो हमने मिरर के अंदर भी डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंस, कि हमारे पास जो लेंस है उसके साइन कन्वेंशन क्या होंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए देखिए, ये है हमारे पास स्फेरिकल लेंस, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस,
और ये है ऑप्टिकल सेंटर O। ये हो गई हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल लेंस। एक कंडीशन इसकी बनी लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी कंडीशन बनी राइट हैंड साइड। एक इसकी कंडीशन बनेगी अपवर्ड और एक बनेगी डाउनवर्ड। यहां पर भी एक कंडीशन होगी इसकी अपवर्ड और दूसरी कंडीशन होगी इसकी डाउनवर्ड। तो अगर जो कंडीशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगी वो नेगेटिव और जो राइट हैंड साइड में आएगी वो पॉजिटिव, बिल्कुल सेम है जो मैंने मिरर में डिस्कस किया था, अपवर्ड मीनिंग पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड। अगर आपको ऐसे लर्न नहीं होता तो आप टेबल भी बना सकते हैं। टेबल के अंदर हमारा कंटेंट, उसके बाद कन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट कंकेव लेंस, तो कंटेंट में आप सभी को पता है U क्या है, V क्या है, F क्या है, H क्या है, H डैश क्या है और M क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रीवियस जो वीडियोस है रिफ्लेक्शन की वो आपको देखनी पड़ेगी। अब जो U है वो तो हर कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड ही आएगा तो वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। जो V है इमेज, अब देखो जो V है इमेज कहां बन रही है, कन्वेक्स लेंस में दूसरी साइड बन रही है रिफ्रैक्शन होके, तो ये पॉजिटिव। इसमें सेम साइड बन रही है तो ये नेगेटिव, और फोकस भी हम कन्वेक्स का दूसरी साइड वाला एफ टू यूज कर रहे हैं तो पॉजिटिव इसका नेगेटिव। जो एच है हाइट, दोनों ही कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड रखा जाता है, यहां जो इमेज है वो डाउनवर्ड बनती है, यहां अपवर्ड बनती है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो टोटल हमारे पास इस तरीके से आप या तो वो लर्न कर सकते हैं या आपको इस तरीके से ये समझना होगा। तो इन्हीं से रिगार्डिंग हमारे पास नेक्स्ट आता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट m इज इक्वल टू v अपॉन u, यहां पर अब माइनस नहीं आएगा, या m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, या हम लिख सकते हैं v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो ये है हमारे पास लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन। लेंस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन से ही हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इस चैप्टर के अंदर कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। मैं यहां लिख देता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो हमारे पास क्वेश्चन है बुक के अंदर 10.3, ठीक है, 10.3 क्वेश्चन है। ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। फर्स्टली हमारे पास गिवन है कनकेव लेंस, कंकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है f वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि हम कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखें, मतलब u कितना होगा कि जो हमारी v है वो कितनी बने 10 सेंटीमीटर बने। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, और हमें क्या कैलकुलेट करना है मैग्निफिकेशन। उसके अलावा फॉर्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब साइन कन्वेंशन देखो, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो f और v है वो दोनों ही क्या है पॉजिटिव, सॉरी कनकेव लेंस है, f और v दोनों ही क्या है, v और f दोनों ही नेगेटिव है। तो 1/f कितना है, पहले इसको सॉल्व करें, तो 1/u जो है माइनस का, ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/v, इस तरीके से आ जाएगा क्योंकि ये जो v है इधर आ जाएगा। तो माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f कितना है माइनस का 15, माइनस 1/v कितना है माइनस का 10। फिर वही कंडीशन, हमें जो एलसीएम है वो माइनस के अंदर नहीं लेना, एलसीएम प्लस में लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा
30, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस का फिर क्या आ जाएगा 3। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 अपॉन में 30, ठीक। तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1/30। सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। ये वाला जो माइनस है वो उधर चला जाएगा, u आ गया माइनस आ रहा है। देखो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन u। v कितना आया माइनस का 10, u कितना आया माइनस का 30। तो जो m है वो आ गया 1/3 मैग्निफिकेशन, सॉरी। तो जो इमेज है 1/3, देखो यहां पर 10 और यहां 30, इतना जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो आ गया 1/3। तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। टेन पॉइंट फोर क्वेश्चन है। गिवन क्या है, ए 2 सेंटीमीटर टोल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टोल है मतलब जो एच है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है फॉर ए कन्वेक्स लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास गिवन, मतलब कन्वर्जिंग लेंस है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी जो एफ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। नेचर पोजिशन एंड साइज, पोजिशन साइज मैग्निफिकेशन, नेचर तो पता चल ही जाएगी हमें, कन्वेक्स लेंस है उसकी नेचर कैसी आएगी तो डिस्कस करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है सबसे पहले v, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v by 1 अपॉन u। तो v कैलकुलेट करना है तो 1 अपॉन f, ये वाला प्लस का 1 by u इधर जाके माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो साइन कन्वर्शन देखिए, जो h है वो पॉजिटिव में आएगा, कन्वेक्स लेंस है तो जो f है वो भी पॉजिटिव आएगा, ये u है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 1 by v इज इक्वल टू 1 अपॉन f कितना है 10 प्लस 1 अपॉन माइनस का कितना आ गया 15, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30। तो ये आ गया 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया जी 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1/30, मीनिंग v इज इक्वल टू क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। प्लस के अंदर आया तो देखो जो v है वो प्लस के अंदर आया, तो v हमारा कैलकुलेट हो गया। h डैश कैलकुलेट करना है तो h डैश के लिए पहले m निकाल लें, m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो जो v है वो कितना है 30, u कितना है माइनस का 10, तो m कितना आ गया माइनस का 3, माइनस में आ रहा है माइनस में आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, m कितना आया माइनस का 3, h डैश कितना है कैलकुलेट करना है, h कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया h डैश इज इक्वल टू माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो वहां देखिए जो h डैश है इसमें आया माइनस। तो 1/1 इस तरीके से हम जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो जो सभी कंडीशंस आई यहां पर वो सभी कंडीशन हमारे इस टेबल को फॉलो कर रही है, टेबल को फॉलो कर रही है मतलब हमारी जो इमेज की नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। एक्चुअली में ये पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस की कोई ना कोई पावर होती है, ठीक है। पावर मतलब जिसकी आईसाइट वीक है, हम अक्सर उससे पूछते हैं कि आपके कितने नंबर का जो चश्मा है वो लगा हुआ है, स्पेक्स है, तो वो चश्मे का मतलब होता है पावर ऑफ लेंस, कितनी पावर का आपके लेंस लगा हुआ है। तो वो जो पावर ऑफ लेंस है, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंस। तो जो पावर ऑफ लेंस है वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, इस तरीके से।
हम इस तरीके से इक्वेशन कर सकते हैं। पावर ऑफ जो लेंस है इसकी जो SI यूनिट है वो होती है डायोप्टर, इसकी पावर ऑफ लेंस की, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोकल लेंथ है इसकी होती है सेंटीमीटर मीटर फोकल लेंथ। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई जो है वो डिस्कस करेंगे, उसके अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर है ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बुक में क्वेश्चन है, ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। अब देखिए यहां पर जो है कन्वेक्स लेंस है, ये है क्वेश्चन ब्लू वाला, पेज नंबर है एक्चुअली 184। तो ब्लू क्वेश्चन वेट पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फर्स्ट सेकंड कन्वेक्स लेंस फर्स्टली गिवन है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, जो यू है वो नीडल की वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी कहां पर हम इमेज रखें कि जो हाइट है वो दोनों की क्या हो इक्वल हो, हमें पता है वो कंडीशन कौन सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, और इसकी पावर ऑफ द लेंस जो है वो कैलकुलेट करो, हमने यू कैलकुलेट कर लिया 50 सेंटीमीटर है तो वी भी कितना होगा 50 सेंटीमीटर, तो यू माइनस में आएगा वी प्लस के अंदर आएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी अपॉन 1 माइनस यू, 1 अपॉन वी कितना है 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन माइनस का 50 एलसीएम है 50 1 माइनस 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 प्लस 1, तो ये आ गया 2/50, तो 1 अपॉन सॉरी एफ आ जाएगा इसका अपोजिट करेंगे तो 25, तो इसकी फोकल लेंथ आ गई। पावर ऑफ लेंस कैसे निकालोगे, P इज इक्वल टू 1/25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसकी पावर ऑफ लेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस और कुछ क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद डिस्कस करें, अगर आपको इनमें कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कंसल्ट करें और आप जैसे अपने डाउट जो है वो क्लियर कर लें। इसके जो नोट्स हैं वो एप्लीकेशन के अंदर आज मैं अपडेट कर दूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।